पिस्टल क्रॉसबो आर्चर स्पोर्ट्स फनी एयर राइफल शूटिंग गाड़ी हिल रही है। रेडी सेट गो। बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं ना पाऊंगा मैं। रेसिंग करने के लिए बगी राइड्स वहाँ पे देख सकते हो, बगी राइड। ये है पूरे चार डब्बे की गाड़ी, पांच ब्रेकर और ये ब्रॉड गेज, ये नैरो गेज, ऐसा है कुछ डब्बा। और ये रहा हमारा विंडो, गाड़ी इस तरफ चलेगी। और ये हमारा विंडो और ये हमारा गेट। और सीट्स भी इस तरह से दिए हुए हैं ताकि हम पीछे की तरफ देख पाए। और ये देखो पहले से रेडी वेडी बैठा हुआ है। डाइनिंग टेबल मम्मी को इग्नोर करना, मैं बात करती किसी से। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये टाइमलैप्स डालूंगा इसका। और ये इधर वाली, मतलब सामने सामने वो दरवाजा है। एक लड़की ऐसी लगा जा रही, गाड़ी हिल रही है और पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। बैठते हैं इसमें। ये हमारा डब्बा, ये हमारा बैक व्यू, मैं आपको पूरा बैक कैम से दिखा लूँगा ट्रेन। और ये व्यू यहाँ पे से जो मिलता हमें, वाह। सो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। मम्मी पापा ने पूरा प्लान किया, फैमिली वालों ने। ये नैरोगे से जाने वाले कहीं हम, सूरत से तो निकल चुके, बिल्लीमोरा पहुँच चुके हैं। बिल्लीमोरा से आगे जाने वाले उन्नाव की तरफ। ये इसमें चलते हैं, इसमें ही मज़ा आएगा। मैं आपको ये दिखा ही चुका हूँ, जगह याद ही। मम्मी मम्मी कहाँ, ऐसे करो ऐसे। अभी नीचे चलते हैं। ये देखो ये डब्बा, देखो मजा आ गया कसम से। ये बिल्लीमोरा स्टेशन है। मम्मी पापा, ये एसी। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम। इधर ठंडी लग रही है। ये तो इधर बेसिन है और इधर वॉशरूम, सब कुछ सही है इसका, भी बहुत सही है। ये वॉश बेसिन दिखा, वॉश बेसिन। ये हमारा कलवा है, कलवा बस छोटा सा, बस जैसा वो एंटी वैन होता है ना। हाँ, ऊपर से इसमें हमारी फैमिली आती है वो अलग। बट वो व्यू देखो आप, मतलब इधर हर तरफ कांच, मतलब शिमला जाते हैं ना वो नैरो गेज से। हाँ टॉय ट्रेन से, ये भी टॉय ट्रेन ही है, बस उसकी तरफ फीलिंग आ रही है। और ये विंडो व्यू, मैंने ले लिया एक सिंगल विंडो सीट आदि डुओ। और ये व्यू, मतलब देखो गाइस, ये अलग व्यू है। I've been on a flex since flex time. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaw. No, like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, me mo. Pick it up. You see this? ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ट्रेन निकल भी चुकी है यहाँ से। और ये हमारी लास्ट डब्बी है और हम लास्ट पैसेंजर। आप सोच रहे होंगे तीन टाइप की ट्रेन होती है, मीटर गेज होती है, ब्रॉड गेज होती है और ये होती है नैरो गेज। नैरो गेज में 1 मीटर से कम होता है, मीटर गेज में 1 मीटर का, ब्रॉड गेज में 1 मीटर से बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है। रेगुलर ट्रेन ये सबसे नैरो, जो पहाड़ और वो सब चीज़ पे चलती है। आज का क्या, ये शिमला में भी चलती है, ये ज्ञान तो दे दिया इन भाई साहब ने, मैं क्या दूँ। और ये ट्रेन पता है हिलती है अगर आप जाना चाहो तो। और ये रोड है यहाँ पर, बार बार रुक जा रही, पता नहीं वापस खोल दिया ये कोई नहीं। वो देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं यार।
कर गया उधर। जगह तो काफ़ी सही है, हमारी ट्रेन वापस खुल चुकी है, खुल रही है, रुक रही है, खुल रही है, रुक रही है। स्टेशन आ चुका है, इस स्टेशन का नाम है चिखली। मेरा बनाना है नहीं, क्या पता नहीं क्या नाम है, वही है, वही है, वही है। पूरा आपको ट्रेन दिखाता हूँ, याद ही इसको पता नहीं क्या हो गया, लॉकर लॉकर चिल्ला रहा है। ये इंजन, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा और ये हमारा डब्बा पांचवा। और वो पापा खड़े वहाँ पे, एसी टूरिस्ट कोच, टूरिस्ट है। और ये हमारा गैजेट, ये देखो, ये लाइव पे जाने वाला इंसान। स्टेशन आ गए हम, ये देखो भीड़ देखो आप, इसमें कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। हमारे डब्बे में नहीं है, कोई नहीं, अच्छी बात है, नहीं है, नीचे उतरते हैं। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, ये इधर देखते हैं। रन कुआं, नेक्स्ट स्टेशन क्या नाम है पढ़ लो यार, सिबलिंग स्टेशन, घोली कुआं, घोली कुआं। लोग चढ़ रहे हैं, हैंडपम्प, हाँ गाइस, जस्ट गेस व्हाट इस स्टेशन का नाम क्या होगा, एनाबेल, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, बट इस स्टेशन का नाम एनाबेल ही है। और ये रहा वो स्टेशन, छोटा सा स्टेशन होता है नैरो गेज का। मंदिर ही पहुंच चुके, बस ट्रेन वहाँ पर उतरे हम, यहाँ पे मंदिर है, अंकल ने बोला था यहाँ पे उतर जाना, मंदिर ज़्यादा पास पड़ेगा, स्टेशन यहाँ पर रिक्शे से आना पड़ेगा। हम जो सबसे पहले स्पॉट पे आए वो गर्म पानी ज़ारा, पता नहीं, ये देखो ये देख सको, सिक्के सिक्के इसमें, पता नहीं गर्म है कि नहीं, दिखने में तो ये यहाँ का रीज़न कि यहाँ का पानी क्यों गर्म रहे। कुंड के पास, कुंड काफ़ी गर्म पानी यहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं ना पाऊँगा मैं। अरे कितना गर्म था, बहुत गर्म भाई, यहाँ सुबह सुबह आओ मज़ा आ जाएगा। देव महादेव का मंदिर,
हम अभी मंदिर घूम के पदम डुंगरी जा रहे हैं, लेक वहाँ चलते हैं। अब गाड़ी तो मिल नहीं रही है, पूरा हाईवे है, पता नहीं गाड़ी कैसे मिलेगी, देखते पर फिर भी गाड़ी का। सो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं लेक के पास। यहाँ पे आना हो तो आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है और 50 रुपीस। ये यहाँ पे लिखा हुआ मीन्स वहाँ यू आर ऑन CCTV 24 आवर वीडियो। हाँ ठीक है चलो, टिकट के प्राइस वहाँ पे मोटरसाइकिल LMB प्रवेश फी 50 रुपीस और अंदर जाओ चिल मारो। एक लेक के अंदर चलते हैं, थोड़ी कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कैंप भी देखे हैं जो हमने पिछली बार देखे थे, कुछ वैसे क्या पता कैंपिंग भी क्या लोग टूर के हिसाब से भी कुछ लोग आए होंगे इस तरफ लेके। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी की भी चीज़ें हैं, दिखाता हूँ भी आपको। यहाँ पे लेफ्ट में ही जस्ट अच्छे से दिखाता हूँ। अभी करना पिस्टल क्रॉसबो आर्चर स्पोर्ट्स फनी एयर राइफल शूटिंग और ये पता नहीं बॉलिंग भी है। हाँ हो रहा बॉलिंग का तो देख क्या 80 रुपीज़ 8 बॉल। बॉलिंग अगर देख आके करते हैं शायद तक। और इस तरफ बहुत तगड़ी जगह है, व्यू तो बहुत अच्छा। रेसिंग करने के लिए बगी राइड्स वहाँ पे देख सकते हो, बगी राइड। यहाँ से भी चलते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, वहाँ चलते हैं। यहाँ पे याले साहब मिल सकते हैं, कॉमन क्रेट। और ये वॉच टावर वहाँ पे कुछ एडवेंचर के लिए, जैसे पबजी में नहीं होता स्नाइपिंग लेके एक बंदा खड़ा होता है, कुछ वैसा यहाँ पे। पूरा व्यारा में ये आउल भी यहाँ पे मिल सकता है। ये एडवेंचर पार्क। अरे चलो नहाने चलना, तो चलते हैं। ये व्यू देखो गाइस आप, नीचे चलते हैं यहाँ से। अच्छी जगह, थोड़ा आगे जाऊंगा मैं तो। चलते हैं आगे। और इसमें अभी नहा रहे आदि, कैसा लग रहा है? थक भी गया था मैं। और देखो कुछ लोग तो वहाँ नहा रहे हैं, वहाँ पे फेंक। वहाँ पर भी हमको भी जाना चाहिए, बस हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। क्या क्या तो आप लोग गाइस, हमने नहा भी लिया और अब हमारा टाइम हो गया है जाने का, तो हम यहाँ से निकलते हैं। हमारी ट्रेन जो है वो 3:30 को आ जाएगी उस स्टेशन पर, तो हमको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पकड़ लेता तो चलते हैं यहाँ को। अलविदा कहते हैं, ऐसे लोकेशन तो काफ़ी अच्छा है, दूसरी बार वापस आएंगे, जल्दी आएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। चलते हैं, हम इसलिए आए थे ताकि हमें मंदिर आ पाए। पता नहीं क्या है इस मंदिर में, ऐसा मतलब भगवान ही होंगे और क्या। तो हम आ गए थे मम्मी के साथ घूमने फिरने के लिए। जैसे कि हमको पता चला ये मंदिर बहुत पुराना है और इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा के इसको नया बनाया है। आई थिंक दैट्स वाई ये थोड़ा प्रीसियस है। तो यहाँ पे एक और मंदिर है रस्तमी, वो हम उधर से आए, और इधर ये थोड़ा बड़ा मंदिर है, यहाँ चलते हैं। अगेन वादियाँ पहाड़े, ये रहा मंदिर, पहुँचिए मंदिर को। थोड़ा ट्रेन आने में टाइम है, पूरा हमारा स्टेशन। और यहाँ पे क्या शॉर्ट, हम क्या करने हैं यहाँ पे अभी, पानीपुरी खाएंगे और अरे कितने खा लेगा? 120 मुँह देखा 20 की, बस बहुत सही खाते हैं। और ये हमारी ट्रेन थोड़ी दूर है, आई जाएगी बस बस। आ गए हमारी टॉय ट्रेन, ये रहा हमारा डब्बा, इसमें चढ़ेंगे हम। दादा ही आगे आ गए हम, कोई ये अंकल ड्राइवर अंकल चढ़
चढ़ते हैं इसमें। सो अगेन हमारी ट्रेन वापस स्टार्ट हो चुकी है, हम वापस जाएंगे दिल्ली मोड़ा की तरफ। ये थी हमारी गुनाई रोड, बास्ता रोड एंड बास्ता रोड, और ये रहा हमारा स्टेशन। लेट्स गो अगेन, बाय बाय। ये व्यू कितनी अच्छी थी, बट देख लो गाइस अब क्या हो गया, ये हमारे व्यू के साथ इंजन लगा दिया आ गया। अच्छा वो मैंने जाते समय वीडियो ले ली थी, और अभी टांग फैला के सोएंगे। और दूसरे डब्बे लिखा है बिल्ली मोरा वधई। हम जा रहे थे वहां से घर पे, बट अब हम घर पे नहीं जा रहे हैं। जस्ट क्यों, क्योंकि पापा के यहाँ पे दोस्त रहते थे, उनके घर आ गए हम यहाँ पे, और हम जब जाएंगे 9 बजे, तो जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ा घूमने आ गए। ये मंदिर, आज के दिन में इतने मंदिर गया हूँ ना कि जितने पाप भी किए होंगे ना मैंने, सारे धुल जाने वाले हैं, सारे। इतने मंदिर जा चुके हैं।
बिलीमोरा स्टेशन और हम इसे सूरत तक जाएंगे, सूरत से फिर घर पे एसी पे चलते हैं। बस 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 रुक जाओ पापा, वो आ गया हमारा एसी। रुकते 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 क्या क्या पता यहीं पे रुक जाए। रुक गए अंदर हेज और की भी और गाड़ी भी खुल चुकी है, ग्रीन सिग्नल है उधर। Let's go inside. Excuse me. Jawad. ये हमारा विंडो। अटा। हम सूरत स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से घर पे निकलेंगे। चलो सीधा घर पे। घर पे थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, खत्म। चलते 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 हम घर ही पहुंच गए। और अब बस ख़त्म होता है यहाँ पे, घर पहुँच गए। यहाँ पे फ्रेश होंगे, थोड़ा सा नहा धोऊंगा और सो जाऊँगा जाके। और टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया 11। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और मुझे भी ड्रीम्स देखने दो।